बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बार बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कंपनी पावर लिमिटेड के पटना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 42 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण फेज 2 में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु 2190 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का रास्ता मिल गया है। वहीं डायल 112 के दूसरे फेज के विस्तार के लिए 766 करोड़ 71 लाख 35 हजार की स्वीकृति मिली। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब डायल 112 का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार होगा। वहीं अब प्रदेश में हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। वहीं पटना के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दाएं तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य के लिए 56 करोड़ 6 लाख रुपए की स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। आज 35 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना है, इसका द्वितीय चरण जो है, जो इच्छुक किसान को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो कनेक्शन दिया जाना है, निःशुल्क कनेक्शन, उसके अंतर्गत 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृत की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे खेत में जो कनेक्शन होता है, जिसमें पोल लगने हैं, तार लगने हैं, उसका मीटर तक जो तार है और सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क होगी। किसानों को केवल जो ऊर्जा का मीटर का जो बिल है वो भुगतान करना होगा, किंतु कनेक्शन जो होगा वो निःशुल्क होगा। इस पे 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृति। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये न्यू पुनेचक में आवासीय परिसर है। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे ऊर्जा स्टेडियम है, आपने सभी ने देखा होगा। इसमें विभिन्न खेल कूद होंगे, जिसमें आपके स्क्वाश कोर्ट होंगे, टेनिस कोर्ट होंगे, आपके बैडमिंटन कोर्ट होंगे, और सभी जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं वो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे जो स्थान है वहां पे बनाए जाएंगे। ये 42.10 करोड़ का होगा। ये सभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, खेलकूद जो रुचि रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका संचालन जो है बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो करेगा। बिहार हर घर नल का जल, ये 7 निश्चय के अंतर्गत ये गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना कार्यान्वित की जा रही थी। तो जो छूटे हुए बसावट हैं उसमें 16,426 वार्ड हैं और उसके 3,393 छूटे हुए टोले हैं और बसावट हैं। इसमें 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना ये गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार जो गुणवत्ता आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन, जो पानी प्रदूषित पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, उसके लिए भी हर घर नल का जल जो है गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों में से 7,326 छूटे हुए टोले बसावटों में 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की। ग्रामीण कार्य जो सड़क है, राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल खगड़िया के अधीन मानसी प्रखंड में मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीका रामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बूढ़ी गंडक पर 7/25 मीटर आकार का पुल निर्माण स्वीकृति दी गई है। यह 13 करोड़ 18 लाख रुपए की जगह पर पुनरीक्षित प्राकलन जो है 185.82 मीटर का अब 20 करोड़ 44 लाख रुपए की योजना स्वीकृत। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, सभी आप लोग देखते होंगे पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है, जिसको आपात अनुक्रिय सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं ERSS, इसका फेज 2 मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है। 766 करोड़ 71 लाख 35,385 करोड़ की योजना है और सीडा इसका सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रथम फेज और द्वितीय फेज में एक अंतर ये है, प्रथम फेज में आपको देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालय में है और पटना पूरा शहर है, वहाँ पे 112 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अब सेकेंड फेज में पूरे देहाती क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया सरकार ने। साथ ही साथ जो वर्तमान व्यवस्था है, जो शहरी क्षेत्र और जिला मुख्यालय वाला है,
उसको सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया है। और 112 का एक और अभी इसका इंटीग्रेशन हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है और अग्निशामन सेवा है उसके साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जिसका मतलब यह हुआ जो 112 है, यदि आपको घर में कहीं आग लगाई है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो 112 यदि आप डायल करेंगे तो आप कोई भी सेवा, पुलिस सेवा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशामन सेवा, या तीनों मिला के तीनों सेवाएं, ये आप बुला सकते हैं इमरजेंसी में। और ये पूरे राज्य में अब इस व्यवस्था को लागू की गई है। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 25 जो इंटरनेट सर्विसेज और नेटवर्क सर्विसेज राज्य के कार्यालय में देता है 17 नंबर, ये 5.64 करोड़ 2 लाख रुपए की योजना है 25.30। अब इसमें यह व्यवस्था है कि सभी थानों को जोड़े जाएंगे 25 से, सभी पंचायतों को जोड़े जाएंगे और सारे जितने नेटवर्क हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक तो केवल ब्लॉक और अंचल थे, अभी पूरे थाने तक और पूरे पंचायतों तक ये नेटवर्क जाएगा, जहाँ से इंटरनेट की सुविधा गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी सेवा सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा सर्विसेज है उसके लिए उपलब्ध होगी। और कार्यालय जो सरकारी पंचायतों का कार्य और थाना का कार्य भी इससे चल पड़ेगा। आपको याद होगा कि जो भी वज्रपात की पूर्व चेतावनी दी जाती है SMS में माध्यम से, जिस क्षेत्र में अनुमान है, तो ये पहले भी कार्यान्वित हो रही थी। ये अर्थ नेटवर्क इनकॉर्पोरेटेड एंड हाइडनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अब इसको और मतलब 4 वर्षों के लिए मतलब और अवधि विस्तार इसका किया गया है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में जो अनुबंध पर कार्यरत कर्मी हैं, जो 3/2/2016 के प्रभाव से राज्य में जब जिनकी मृत्यु होगी उनको 4 लाख अनुग्रह अनुदान, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली है। अब यह है कि जो कमीशन है जो किसके माध्यम से बहाली होगी, ये अब ये बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन इसकी बहाली करेगी। केवल इतना ही संशोधन है नियमावली, जो ड्राइवरों का जो चयन होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा चयन किया जाएगा, बस एक लाइन का संशोधन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग नियंत्रणाधीन संचालित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो अध्यापक हैं प्राथमिक शिक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 10, उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के 2 जो पदों में नियुक्ति और प्रोन्नति है, तो ये सेवा शर्त नियमावली यह गठन किया गया है। यह सेवा शर्त नियमावली बिल्कुल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सेवा शर्त के अनुरूपी है और बहाली भी जो उनके दूसरा चरण जो शिक्षा नियम होगा उसी में इनकी भी बहाली होगी। अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के 6 शैडो पद सृजित किए जा रहे हैं। आपका 8 नंबर जो है पटना में मौजा मोहरमपुर, ये मेट्रो जो रेल का कॉरपोरेशन के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन स्थानांतरण का प्रस्ताव है सशुल्क समय। 32 नंबर है किशनगंज में व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि का स्थानांतरण है। 14 नंबर जो अर्जित भूमि है उसको, उसका भूमि अर्जन के बाद कार्य प्रारंभ स्वीकृति का प्रस्ताव है। 11 नंबर में मेट्रो के लिए, अगेन पटना मेट्रो के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसके लिए ज़मीन का प्रस्ताव है। 10 नंबर मधुबनी जिला अंतर्गत ये 48 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल SSB के लिए भूमि के लिए स्थानांतरण का प्रस्ताव है। 9 नंबर में फिर से मेट्रो रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन का स्वीकृति का प्रस्ताव है। और 28 नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है CRR SLR का, जो कोऑपरेटिव बैंक को मेंटेन करना पड़ता है अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसके लिए 9,433,09,000 रुपये अनुदान, उसका CRR SLR जो सैचुरी लिमिट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति।